आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल मशीन से ट्रांसफार्मर में एक नए टॉपिक को लिया है, तो आइए देखते हैं वो टॉपिक किस प्रकार से है। तो टॉपिक है फेजर डायग्राम ऑफ एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर फॉर इंडक्टिव लोड। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में इंडक्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम किस प्रकार से होता है और उनको बनाने के लिए स्टेप्स किस प्रकार से लिया जाता है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करें, मेरे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वाले प्लेलिस्ट पे जाएं, उस पर आप लोग क्या करें, ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड और एक्चुअल ट्रांसफार्मर के वीडियो को देखें। जब आप लोग इन वीडियो को देख लेंगे तो जो यहाँ पर फेजर डायग्राम बनाने के लिए टर्म्स और स्टेप्स का यूज़ किया जाएगा उसका आप लोग पहले से ही नॉलेज गेन कर चुके होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि क्या है, फेजर डायग्राम ऑफ एन एक्चुअल ट्रांसफार्मर फॉर इंडक्टिव लोड। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स होते हैं φm, जो कि प्राइमरी वाइंडिंग से भी लिंक करता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस मानते हुए सबसे पहले हम लोग ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स को क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स को रेफरेंस मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। कौन से एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर हम लोगों ने किसको लिया, ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स किसको लिया, φm को लिया, जो कि एक्स एक्सिस पर है, और इस पर हम लोग लिख लेते हैं φm लिख लेते हैं। तो ये क्या हुआ, ट्रांसफार्मर के हम लोगों ने स्टार्ट करते समय स्टेप वन पे किसको लेना है, म्यूचुअल फ्लक्स को लेना है, जो कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों से लिंक होता है। अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे किसको ड्रॉ करेंगे, जो ट्रांसफार्मर के इंड्यूस्ड वोल्टेज हैं प्राइमरी साइड के लिए E1 और सेकेंडरी साइड के लिए E2, ये दोनों क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स से 90 डिग्री लेग करते हैं। तो उनको हम लोग क्या करेंगे, E1 और E2 को ट्रांसफार्मर के मेन फ्लक्स या म्यूचुअल फ्लक्स से 90 डिग्री लेग करते हुए स्टेप टू पे ड्रॉ करेंगे। तो आइए ड्रॉ करते हैं इनको। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, φm से 90 डिग्री लेग करते हुए हम लोगों ने किसको ड्रॉ किया, ट्रांसफार्मर के इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 और E2 को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं E1 लिखेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, E2, और यह वाला एंगल हो जाएगा कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोगों ने φm से लेग करते हुए स्टेप टू पे E1 और E2 के वैल्यू को ड्रॉ किया। तो यहाँ पर से हम लोग देख कर समझ सकते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप अप है कि स्टेप डाउन है। यदि क्या होगा, E2 का वैल्यू E1 से ज़्यादा है तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप अप होगा, और यदि E2 का वैल्यू क्या है, E1 से कम है तो ट्रांसफार्मर क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए फेजर डायग्राम बनाया हुआ है। अब हम लोग आगे स्टेप थ्री पे क्या करेंगे, स्टेप थ्री पे इस E1 के वैल्यू को जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन पे ड्रॉ करेंगे। तो आइए ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम के स्टेप थ्री को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, E1 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन को क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, -E1 लिखेंगे। तो -E1 का वैल्यू किसके बराबर में लेते हैं, ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम के बनाते समय हम लोगों को -E1 इज इक्वल टू क्या लेना होगा, V1 लेना होगा। ऐसा क्यों लेना पड़ता है, यदि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर क्या हो, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में कोई भी रेजिस्टेंस ना हो,
रिएक्टेंस ना हो, तो जो ट्रांसफार्मर का इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 क्या करता है, प्राइमरी साइड के अप्लाइड वोल्टेज V1 का अपोज करता है। तो हम लोगों को स्टार्टिंग करने के लिए, फेजर डायग्राम को स्टार्ट करने के लिए क्या लेना पड़ता है, माइनस E1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं, V1 लेते हैं। अब हम लोग स्टेप 4 पे क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट के वैल्यू को ड्रॉ कर लेते हैं V1 से कुछ एंगल से लेग करते हुए। तो आइए देखते हैं उसको हम लोग किस प्रकार से बना पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट वैल्यू को I0 को किससे लेग करते हुए, अप्लाइड वोल्टेज V1 से लेग करते हुए, कितने एंगल से, 50 एंगल से लेग करते हुए हम लोगों ने किसको बना लिया, नो लोड करंट वैल्यू I0 को बना लिया। और यह 50 एंगल कहाँ से आता है, जब हम लोग ट्रांसफार्मर में BH कर्व बनाएंगे या BH कर्व पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक टर्म होता है हिस्टेरिक एंगल। तो उसमें क्या होता है कि जो भी करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से क्या करता है, कुछ एंगल से लेग करता है। तो ये वाला टर्म वहीं से आया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट I0 के दो कंपोनेंट को ड्रॉ करेंगे। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग I0 को दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, एक φm के डायरेक्शन पे और एक V1 के डायरेक्शन पे। तो जो φm के डायरेक्शन पर करंट होता है उसको क्या कहा जाता है, मैग्नेटाइजिंग करंट कहा जाता है, और किससे लिखा जाता है, Im से लिखा जाता है। और जो V1 के डायरेक्शन पे होता है नो लोड करंट का कंपोनेंट, उसे क्या कहा जाता है, वर्किंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्टेप 4 पे नो लोड करंट को ड्रॉ किया और उसके कंपोनेंट को देखा। अब हम लोग आगे देखते हैं स्टेप 5 पे क्या कर पाएंगे। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी करंट I2 को ड्रॉ करेंगे, किससे लेग करते हुए, E2 से कुछ एंगल से लेग करते हुए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी करंट जिसको हम लोग कौन से लेटर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लेटर I और सबस्क्रिप्ट में क्या लिखते हैं, 2। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जो E2 से कुछ एंगल पे लेग करते हुए ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी करंट I2 को क्या कर लेंगे, नेक्स्ट स्टेप के लिए ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने I2 को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग अगले नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे कि ट्रांसफार्मर के एडिशनल प्राइमरी करंट I1 को ड्रॉ करेंगे, जो कि क्या करता है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग करंट I2 का अपोज करता है। तो I2 के अपोज करने के कारण ट्रांसफार्मर के एडिशनल प्राइमरी करंट I1 को जस्ट इसके क्या करेंगे, 180 डिग्री पे बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो I2 करंट का क्या करता है, अपोज करता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि I2 से 180 डिग्री पर किसको बना लेंगे, ट्रांसफार्मर के एडिशनल प्राइमरी करंट किसको, I1 को बना लेंगे। तो जो कि क्या करता है, I2 का अपोज करता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, I1 को ड्रॉ कर लिया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे उसको देखते हैं और समझते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, I1 को ड्रॉ करने के बाद देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट होता है वो किसका किसका सम होता है, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट I0 और एडिशनल प्राइमरी करंट I1, इन दोनों का सम क्या कहलाता है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट I1 कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, I1 से I0 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और I0 से I1 के एक पैरेलल लाइन खींचेंगे। ये दोनों लाइन जहाँ पर जाकर कट करेंगे उसको हम लोगों को क्या लेना होगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी करंट I1 मानना पड़ेगा। तो आइए अब हम लोग उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि I1 से I0 के पैरेलल एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन खींच लिया। हम लोग आगे क्या करेंगे, I0 से I1 के पैरेलल एक लाइन क्या कर लिया,
ये खींच लिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये दोनों लाइन जहाँ पर कट करेंगे वो वाला वैल्यू क्या होगा। जब हम लोग उसको ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी करंट I1 के बराबर में हो जाएगा। तो अब हम लोग उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिन से होते हुए कट पॉइंट तक एक क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर में होगा, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी करंट I1 के बराबर में होगा। कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि ट्रांसफार्मर का I1 करंट किसके किसके सम के बराबर में होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को आंसर देना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट I0 और एडिशनल प्राइमरी करंट I1 के दोनों के सम को क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर का प्राइमरी करंट I1 कहा जाता है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, देखेंगे कि रेजिस्टिव लोड के लिए ट्रांसफार्मर के फेजर डायग्राम को किस प्रकार से कंप्लीट किया जाता है। आगे के फेजर डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को एक्चुअल ट्रांसफार्मर पे ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के लिए इक्वेशन पता होना चाहिए और ट्रांसफार्मर पे सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए जो इक्वेशन होता है उसको पता होना चाहिए। तो आप लोग क्या करें, मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, एक्चुअल ट्रांसफार्मर के वीडियो को देखें जिस पर मैंने आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के इक्वेशन को लिखा है और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के इक्वेशन को लिखा है। तो वहाँ पर से हम लोग समझ पाएंगे कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के लिए कौन कौन से क्वांटिटी को लिया जाता है और किस प्रकार से लिया जाता है। तो आइए अब हम लोग उसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है I1 × R1, उसको क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो I1 × R1 को हम लोगों को क्या लेना होगा, ये जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग करंट क्या है I1, उसके पैरेलल पे हम लोगों को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस I1 × R1 के ड्रॉप को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो आइए नेक्स्ट स्टेप पे उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो उस लाइन को हम लोग ध्यान रखिएगा, ये जो प्राइमरी करंट वाली लाइन I1 से उसके पैरेलल पे ही ड्रॉ करना होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस I1 लाइन के पैरेलल पे हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस के कारण जो ड्रॉप होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इस I1 से पैरेलल हम लोग किसको ड्रॉ करेंगे, I1 × किसको ड्रॉ करेंगे, R1 को ड्रॉ करेंगे। अब हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पर ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस के कारण जो कि क्या होता है, इंडक्टेंस के कारण होता है। तो इंडक्टेंस के कारण होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को क्या करेंगे, आगे इस I1 R1 ड्रॉप पे ऐड करेंगे। तो देखेंगे कि हम लोग इसको किस प्रकार से ड्रॉ कर पाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंस के कारण ड्रॉप पे बनाएंगे। तो रिएक्टेंस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि ये वोल्टेज को क्या करता है, लीड करता है। तो यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे कौन सा करंट देखते हैं, I1 देखते हैं। तो जो रिएक्टेंस के कारण ड्रॉप होगा वो क्या करेंगे, I1 से 90 डिग्री से लीड करते हुए, कहाँ पर से, ये जो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग I1 R1 ड्रॉप से ऐड करते हुए हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर लेंगे। तो आइए उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी वाइंडिंग करंट I1 से 90 डिग्री लीड करते हुए हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग रिएक्टेंस X1 के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको I1 R1 से 90 डिग्री लीड करते हुए क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। और इस पर हम लोग लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, I1 X1। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के कारण जो ड्रॉप होने वाले हैं उसको हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब हम लोगों ने एक्चुअल ट्रांसफार्मर के वीडियो पे एक इक्वेशन देखा था
जिस पर प्राइमरी साइड के अप्लाइड वोल्टेज किसका किसका सम होता है, माइनस E1 I1 R1 और I1 X1 के सम को क्या कहा जाता है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के अप्लाइड वोल्टेज V1 के क्या होता है, इक्वल में होता है। तो यहाँ पर हम लोग ओरिजिन से इस पॉइंट को मिला देंगे जो कि क्या होगा, एक्चुअल वैल्यू V1 के बराबर में होगा। तो आइए उस लाइन को ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, V1 के लिए इस ओरिजिन पॉइंट से इसको क्या करके मिलाते हुए ड्रॉ कर देंगे और इसका वैल्यू किसके बराबर में हो जाएगा, V1 के बराबर में हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने आइडियल कंडीशन के लिए माइनस E1 इज इक्वल टू V1 हो लेते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है क्योंकि ट्रांसफार्मर पे प्राइमरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R1 और X1 के कारण कुछ ड्रॉप होता है, उसको हम लोगों ने कंसिडर करते हुए फेजर डायग्राम को बनाया और देखा कि V1 का वैल्यू एक्चुअल में किस प्रकार से होगा। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड के पोर्शन को कंप्लीट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के पोर्शन को कंप्लीट करेंगे, जहाँ पर हम लोगों को ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड रेजिस्टेंस R2 और रिएक्टेंस के कारण ड्रॉप को कंसीडर करते हुए आगे इसको ड्रॉ करना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के इंडक्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, जब कभी भी इंडक्टिव लोड के लिए फेजर डायग्राम को बनाया जाएगा तो क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 को I2 से लीड करते हुए कुछ एंगल से बनाया जाएगा। तो आइए अब V2 को I2 से लीड करते हुए कितने एंगल से, ∅2 एंगल से लीड करते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोग इंडक्टिव लोड के लिए अब सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज V2 को I2 से लीड करते हुए कुछ एंगल से क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं, कितना लिखेंगे, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज किसको लिखेंगे, V2 को लिखेंगे। और हम लोगों को I2 और V2 के बीच में कितना एंगल लेना होगा, ∅2 एंगल लेना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के जो सेकेंडरी वाइंडिंग रेजिस्टेंस R2 और इंडक्टिव वाइंडिंग रिएक्टेंस X2 के कारण होने वाले ड्रॉप को फेजर डायग्राम पे कंप्लीट करेंगे। तो याद रखिएगा, रेजिस्टेंस के केस पे जो रेजिस्टेंस वाले वोल्टेज ड्रॉप है और उस पर जो करंट है, वो दोनों क्या रहेंगे, सेम फेस में है। तो अब हम लोगों को सेकेंडरी रेजिस्टेंस R2 के कारण होने वाले ड्रॉप को ड्रॉ करना होगा। तो वो किसके फेस पे होगा, वो I2 करंट के फेस में होगा। तो आइए अब हम लोग I2 इंटू R2 के ड्रॉप को इस फेजर डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, I2 इंटू R2 वाले ड्रॉप को किसके पैरेलल लेना होगा, I2 के पैरेलल पे लेना होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के केस पे वोल्टेज और करंट क्या होते हैं, एक ही फेस में होते हैं। तो उस पर हम लोगों ने कौन सा करंट यूज़ किया, I2। तो इस ड्रॉप को हम लोग लिख लेते हैं I2 इंटू R2 हो गया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर इंडक्टेंस के कारण जो कि क्या है, X2, उसके ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोगों ने कौन सा करंट लिया है, I2 करंट लिया है सेकेंडरी साइड से। तो इंडक्टेंस के कारण जो होने वाले ड्रॉप हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, इस I2 से 90 डिग्री लीड करते हुए ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस I2 से 90 डिग्री लीड करते हुए I2 R2 से क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो लाइन हो जाएगा वो किसके लिए होगा, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण होने वाले ड्रॉप I2 X2 को हम लोगों ने ड्रॉ किया। अब हम लोग आगे क्या करेंगे उसको समझते हैं। तो जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, वो किसके किसके सम के बराबर पे होता है, V2
I2R2 और I2X2, अगर हम लोग इन तीनों वोल्टेज को क्या करें, सम करें, तो वो किसके इक्वल में होगा, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पर प्रोड्यूस होने वाले म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 के बराबर पे होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आइए इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको आगे एक्सटेंड करते हुए इस वाले वोल्टेज ड्रॉप से हमको क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक्चुअल ट्रांसफार्मर के लिए म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 को फेजर डायग्राम पे देखा। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड पर जो इम्पीडेंस के कारण होने वाले ड्रॉप को ड्रॉ करेंगे। तो इम्पीडेंस किसका किसका सम होता है, इम्पीडेंस जो सम होता है वो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के कॉम्बिनेशन को सम करने से हमको क्या मिलता है, इम्पीडेंस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, I2R2 और I2X2 के दोनों के वोल्टेज को क्या करेंगे, ऐड करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये किसके सम के बराबर में हो जाएगा या कौन से, तो देखेंगे ये होगा I2 × Z2 के बराबर में होगा। इसी प्रकार से हम लोगों को प्राइमरी के लिए ड्रॉ करना होगा। तो प्राइमरी के लिए क्या करेंगे, I1R1 और I1X1 को होते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। तो यह ड्रॉप किसके बराबर में हो जाएगा, I1 × Z1 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के इंडक्टिव लोड के लिए या लैगिंग पावर फैक्टर के लिए हम लोगों ने फेजर डायग्राम को कंप्लीट किया। अगर आपको यह बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।